दोस्तों हर साल अमिताभ बच्चन जी का एक गेम शो कौन बनेगा करोड़पति टैलेंट का पिटारा लेकर आता है। इस बार जूनियर्स भी इस गेम के शो का हिस्सा बन चुके हैं। इंडिया के शार्पेस्ट माइंड इसमें आए और अमिताभ बच्चन के साथ पूरी दुनिया को अपने टैलेंट से हैरान कर रहे हैं। एक से बढ़कर एक इसमें जूनियर भी आ रहे हैं जो अपनी नॉलेज के दम पर हर किसी को इम्प्रेस कर रहे हैं। जी हाँ, नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गॉसिप वाली गैलरी में। 22 नवंबर 2023 की बात कर रहा हूँ, जिसके एपिसोड में 8 साल के विराट जी हॉट सीट पर जा पहुंचे। एक के बाद एक प्रश्नों का सही जवाब देकर ये 1 करोड़ के सवाल तक जा पहुंचे। सवाल पूछा गया तो विराट का कहना था कि बहुत हार्ड क्वेश्चंस हैं। इस पर अमिताभ जी ने कहा, हाँ थोड़े से हार्ड प्रश्न हैं, तो क्या आप किट करना चाहेंगे? इस पर विराट ने कहा, नहीं सर, थोड़ा सोचूंगा, मुझे लग रहा है कि सवाल का जवाब ए या फिर बी होगा। इस काफी सोच विचार के बाद विराट ने ए पर लॉक कर दिया, जो कि बिल्कुल सही जवाब नहीं था। अमिताभ जी की बात करें, सही जवाब बी था और आप भी कह रहे हैं ए या बी में से कोई है, तो बी सही जवाब था। विराट के पेरेंट्स थोड़े से निराश हुए, जबकि विराट 1 करोड़ रुपए नहीं जीत पाए। तो देखा जाए इस बार कि कौन बनेगा करोड़पति में जीतते जीतते विराट बिल्कुल करीब जाकर रुक गए। अब तक के 30 अवार्ड से भी ज्यादा जीत चुके हैं और विराट 7 से 8 महीने के जब वो थे तो स्टेट लेवल पर चेस खेल रहे थे। विराट ने हॉट सीट पर बैठकर कहा कि वो बड़े होकर चेस में ही ग्रैंड मास्टर जीतना चाहते हैं। भाई सल्यूट करता हूँ इस छोटे से बच्चे के टैलेंट को और उसकी नॉलेज को, और ऐसी तमाम सारी नॉलेज जो मैं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल गॉसिप वाली गैलरी तक पहुँचाता रहूँ हर मूवी हर रियलिटी शो की अपडेट्स के लिए, तो लाइक तो बनता है। और हमारी इस मेहनत के लिए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करने के साथ साथ अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल गॉसिप वाली गैलरी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा, ताकि सबसे पहले सबसे तेज आप तक ये नोटिफिकेशन और ये वीडियो पहुंचते रहें।